हाउ टू मोनेटाइज योर यूट्यूब चैनल। सो अगर आप यूट्यूब पर वर्क करते हो या यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करते हो तो कैसे आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो, मींस आप यूट्यूब से कैसे अर्निंग कर सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 स्टेप्स बताने वाला हूं। अगर आप लोग इस स्टेप्स को फॉलो करते हो या इस प्रोसीजर को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप यूट्यूब से अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे। सो गाइस, इसमें जो पहला स्टेप आता है वो आता है, आप अगर यूट्यूब से अर्निंग करना चाहते हो तो आपको फर्स्ट स्टेप जो है वो आपको कंप्लीट करना होगा। आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर कंप्लीट करने होंगे। सो गाइस, यहां पर बहुत सारे लोग 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, बिकॉज यूट्यूब की एक जो पॉलिसी उसमें बताया गया कि आपको जो 4000 वॉच आवर है वो आपको एक साल में कंप्लीट करने होंगे। सो गाइस, यहां पर बहुत सारे लोगों का एक मिथ है कि यूट्यूब की जो एक पॉलिसी जिसमें बताया गया है कि आपको एक साल के अंदर पे 4000 वॉच आवर कंप्लीट करना है, बट ऐसा नहीं है। सो इसका जो यूट्यूब का मैथ का जो कैलकुलेशन है वो आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। आपको 12 मंथ के अंदर पे अगर आपने 2000 वॉच टाइम कंप्लीट करा है, बट अगर आपने 16 मंथ के अंदर पे आपने 4000 वॉच टाइम कंप्लीट कर लिया है तो इसमें जो आपका 16 मंथ है वो कैलकुलेट नहीं करा जाएगा। इसमें आपका लास्ट प्रीवियस जो है आपके प्रीवियस 12 मंथ कैलकुलेट किए जाएंगे, मतलब 365 दिन ही कैलकुलेट किया जाता है। सो गाइस, इसमें डरने की बात नहीं है, मतलब अगर आपने स्टार्ट करा है लास्ट 16 मंथ से आप काम कर रहे हो तो आपके शुरू के स्टार्टिंग के 4 मंथ को कैलकुलेट नहीं करा जाएगा, बट आगे के जो 4 मंथ है वो छोड़कर बाकी के जो मंथ है वो ऐड कर लिए जाएंगे। सो जैसे ही आप अपने 1000 जो सब्सक्राइबर है वो कंप्लीट कर लेते हो और 4000 वॉच आवर कंप्लीट कर लेते हो तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन आ जाता है जिसमें आप अप्लाई करते हो। तो कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, चलते हैं स्क्रीन पर और प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसे कि हम यहाँ पर स्क्रीन पर आ गए, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, आपको एक मीटर दिख रहा है। तो यहाँ पर हमने अपने जो 1000 सब्सक्राइबर है वो कंप्लीट कर चुके हैं एंड 4000 वॉच आवर भी कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको मोनेटाइजेशन पर जाना है और यहाँ पर आपको अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पर अप्लाई करना है। तो देन आपके पास कुछ इस तरीके का एक पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि क्या रिव्यू है यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। तो यहाँ के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है, याद रखें एक बार टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लें, बहुत सारे लोग इनको पढ़ते नहीं है। यहाँ पर बताया जाता है कि आपको YouTube कितना पे करेगा, तो YouTube विल पे 55% ऑफ नेट रेवेन्यू, तो और बाकी का जो बचता है वो आपको मिलता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी पॉलिसीज है, आगे बढ़ते हैं हम, इसको करेंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 स्टेप्स है। पहला जो है उसमें आपको रिव्यू पार्टनर प्रोग्राम एंड टर्म्स है, वहाँ पर जाना है। देन हम यहाँ पर इसको करेंगे स्टार्ट। देन यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा है, साइन अप करना है आपको गूगल एडसेंस के साथ, फिर देन आपको रिव्यू करना है। ये यहाँ पर 3 ऑप्शन है, तीनों को यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। तो रिव्यू हमने कर दिया है, रिव्यू करने के बाद आपको साइन अप करना है गूगल एडसेंस के साथ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट पे आप क्लिक करोगे, जैसे ही आप स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर बताएगा आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं करूँगा नो, आई डोंट हैव एन, मेरे पास कोई अकाउंट नहीं है, उसी के साथ मैं यहाँ पर कंटिन्यू करूँगा। जैसे ही आप कर लोगे तो यहाँ पर आप अपना जो भी गूगल एडसेंस अकाउंट लेते हो वही लेना है, आपको वही ईमेल लेना है जो आपने यूट्यूब के साथ कनेक्ट करा हुआ, आपका जो यूट्यूब का जो चैनल है जिसके साथ बना हुआ है उसी के साथ करेंगे। तो आप जैसे ही करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। आपको यहाँ पर आपकी वेबसाइट है, अगर नहीं आ रही है तो यहाँ पर URL यहाँ से कनेक्ट कर ले लेना है और यहाँ पर फिल कर देना है। देन हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस यस करेंगे, और उसके बाद हमको यहाँ पर हमारी कंट्री सेलेक्ट करना है, आप कहाँ से हो। अगर आप बाहर से हो, USA से हो तो आप वो ले सकते हैं, आप इंडिया से हो जैसे कि मैं इंडिया से हूँ तो मैं यहाँ पर इंडिया को सेलेक्ट करने वाला हूँ। 1 मिनट यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। यस, ये इंडिया है, क्लिक हमने कर लिया है। और देन फिर यहाँ पर एक और बार यहाँ पर फिर से आता है कि आपको पढ़ लेना है, यहाँ पर हम सारी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लेंगे। जैसे एक बार पढ़ लेते हो आप तो आपको आगे करना है। देन यहाँ पर आगे जाना है, आगे जाना है। वन मिनट और एक्सेप्ट कर लेना। जैसे आप करोगे आपका 2 स्टेप्स जो है वो फुलफिल हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, गूगल एडसेंस अगर आप नहीं बनाया तो वो बाय डिफॉल्ट एक एडसेंस बना लेता है। देन यहाँ फाइनली हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर अभी हमको क्या करना है, गूगल एडसेंस पे कुछ इस तरीके का आएगा, तो यहाँ पर आपको आपका अकाउंट का क्या टाइप है वहाँ पर डालना है, इंडिविजुअल है तो वो डालें, बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस वाला डालें, नेम डालना है आपको वही नेम रखना है जो आपको अपने ईमेल वगैरह में यूज़ करा हुआ है। तो आप आपका खुद का नाम रखें, अगर आप एज अ ब्रांड काम कर रहे हो, किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो या आपका चैनल का नेम कुछ और भी है तो आपका खुद का नाम यहाँ पर डालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम नेम लेंगे, यहाँ पर नेम, यहाँ पर मैं मेरा नाम डाल देता हूँ, DANISH और यस यहाँ पर हमने कर दिया। एड्रेस हमको डाल देना है, एड्रेस याद रखें वही डालें क्योंकि जब गूगल एडसेंस पिन रिलीज करते हो तो आपके एड्रेस पर सेंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ याद रखें, जब आप एड्रेस यहाँ पर ऐड करोगे तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपका जो स्पीड पोस्ट होता है उसके थ्रू जब आता है तो अगर नहीं आएगा तो वो एटलीस्ट आपको कॉल करके बोल देगा। यहाँ पर हमने एड्रेस कर दिया है, एड्रेस 2 में हमने एक और एड्रेस डाल दिया है।
देन हम यहाँ पर सिटी सेलेक्ट करेंगे सिवनी। हाँ, जो भी कोड है आपका सिटी का पोस्टल कोड वो ऐड करना है। लाइक ये स्टेट हमारा मध्य प्रदेश है, आपका जो भी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकता है। आप लोग जिस तरीके से देख रहे हो वीडियो, बहुत ईजी, आप आसानी से कर सकते हो। फाइनली यहाँ पर हमारा पेमेंट एड्रेस डिटेल, हमने सारी चीज़ों को फिल कर दिया है। और जैसे ही आप यहाँ पर फिल कर दोगे 1 2 3, ठीक है, हमने सारी चीज़ें कर दी है। फ़ोन नंबर भी यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है, इसको करते हैं कंटिन्यू। देन जैसे ही करोगे आप तो यहाँ पर रिडायरेक्ट करके ले जाएगा आपको नेक्स्ट पेज के अंदर पे। और फाइनली यहाँ पर आप देखोगे कि आपने पहला स्टेप क्लियर करा, सेकेंड स्टेप क्लियर करा, और थर्ड स्टेप आप जैसे ही क्लियर कर रहे हो तो यहाँ पर जो है वो प्रोसेस में आ जाता है 1 2 3 स्टार्ट। तो फाइनली यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है और ये प्रोसेस में आ गया है। अब कुछ दिन में विद इन 7 डेज आपको एक ईमेल मिलेगा, ईमेल के बाद आपको वहाँ पर वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर हमने सारे जो फॉर्म था वो फिल कर दिया, जो स्टेप्स थे वो फुलफिल कर दिया है। अब आपको ईमेल पर यूट्यूब के साइट से आएगा, वहाँ पर आपको फिर आपका एड्रेस और आपका जो भी पेमेंट मेथड है वो सारी चीज़ों को फुलफिल करना होगा। सो हम नेक्स्ट जो स्टेप में उसी को कवर करने वाले हैं। सो फाइनली यहाँ पर जो सेकेंड स्टेप है वो होता है कम्प्लीट। सो फाइनली गाइज अब आता है नेक्स्ट यानी थर्ड स्टेप। यहाँ पर आपको ईमेल आ गया होगा, तो जैसे कि हमने जो करा था जो भी स्टेप फॉलो करी हुई थी, तो यहाँ पर हमको फाइनली ईमेल आ गया जो कि आप लोग देख पा रहे हो। तो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर आ गया YouTube क्रिएटर्स डिजिटल सम्राट, यू आर एलिजिबल फॉर सुपर चैट एंड सुपर स्टिकर के लिए भी हमारा आ गया है। और जो अप्रूव है उसका भी यहाँ पर ईमेल हमारे पास आ गया जो आप देख सकते हो। तो ये जो अप्रूवल है इसे मिलने में आपको लगभग 7 दिन का टाइम लग सकता है, मुझे 7 to 8 डेज में मुझे आ गया तो मे बी आपको आ जाएगा। सो फाइनली गाइज यहाँ पर हम जो थर्ड स्टेप है वो कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे ही आपको यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देखोगे तो आपको एक मैसेज आ चुका होगा जो कि यूट्यूब की तरफ से यहाँ पर आपको मिलेगा, जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। तो फाइनली यहाँ पर उसके बाद आपको यूट्यूब पर लिख के आएगा कि आप फाइनली यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए ऑथराइज हो चुके हो। उसके लिए अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको आपके चैनल को ओपन करना है, यहाँ पर आपको ऑन करना होगा। जैसे आप यहाँ पर लर्न मोर पे क्लिक करोगे, मैंने ऑलरेडी कर दिया इसलिए यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर आप लर्न मोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप आपके जो भी एड सेलेक्ट करना चाहते हो, स्केपेबल एड या जो भी एड लगाना चाहते हो वो आपको कर देना है। देन फिर आप एनालिटिक्स के अंदर पे जा सकते हो और फिर आप कॉन्टेंट के अंदर पे भी आ सकते हो। 1 मिनट, अब यहाँ पर कंटेंट के अंदर पे आने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारी दिख रही होंगी, मोनेटाइजेशन हमारा ऑन हो चुका है। अगर यहाँ पर रेड आता है इसका मतलब आपका जो कंटेंट है वो एड रन नहीं करेगा, मतलब आप उस पर किसी भी तरीके का रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। ग्रीन सिग्नल साइन है कि आपका जो वीडियो है वो मोनेटाइज है, उसमें कोई भी कॉपीराइट कंटेंट नहीं है। तो ये याद रखें कि आपका जो भी कंटेंट हो वो कॉपीराइट कंटेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप उससे उसको मोनेटाइज नहीं कर पाओगे। तो फाइनली यहाँ पर हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो मोनेटाइज हो चुका है और आप इसको देख सकते हो कि आपका जो भी पैसे हैं वो कहाँ पर आएंगे, वो आपके YouTube स्टूडियो पे आएंगे। आप उसको डाउनलोड कर सकते हो अगर आप मोबाइल पे चला रहे हो, या फिर अगर आप डेस्कटॉप पे देख रहे हो तो एनालिटिक्स में देख सकते हो। सो अभी ये जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट नहीं हुई है, इसके बाद भी आपको एक प्रोसीजर कंप्लीट करनी होगी, आपको आपका एड्रेस वेरीफाई करना होगा। आप ये सारी चीज़ें कर दोगे तो अगेन आपके पास YouTube की साइट से एक और ईमेल आएगा जहां पर आपको आपका आइडेंटिटी जो है वो सबमिट करनी होगी। तो मैं उसके लिए आपको बता देता हूँ। तो फाइनली गाइज यहाँ पर हमको जो ईमेल आ गया है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, तो यहाँ पर गूगल के साइट से आया हुआ है एडसेंस के लिए, आपको वेरीफाई करना है। यहाँ पर टैक्स के लिए आपको आपका पैन कार्ड सबमिट करना होता है। तो यहाँ पर वेरीफाई जैसे ही करोगे, मैंने ऑलरेडी इसको वेरीफाई कर दिया दैट्स वाई यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, बट इसमें बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपका पैन कार्ड, आपकी आइडेंटिटी आप सबमिट करोगे तो फाइनली आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर जो है वो बैचेस वगैरह भी मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यस कॉन्ग्रेचुलेशन, ये हम पहले ही कर लिए थे, ये सेकंड वाला आपके पास आएगा। ये जैसे आप इसको भी कंप्लीट करोगे तो आपके सुपर चैट्स वगैरह स्टिकर भी आ जाएंगे। देन यहाँ पर आपके पास जो आपकी आइडेंटिटी है वो वहाँ पर सबमिट हो जाएगी। जैसे आप ये सारी चीज़ों को सेंड करोगे तो आपका जो एड्रेस है वो वेरीफाई हो जाएगा और आपके पास एक और ईमेल आएगा जिसमें बताया जाएगा, जो ईमेल की मैं बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो गूगल एडसेंस के साइट से आने वाला है। वो कुछ इस तरीके से दिखने वाला है जिसमें वो गूगल बताएगा आपको एक पिन, जो कि वो आपके जो एड्रेस है, आपने जो एड्रेस को डाला हुआ है वही एड्रेस पे वो पिन को रिलीज़ करेगा, जो कि विद इन 3 महीने के अंदर पे आ जाता है। इसके बिना आप वहाँ पर अगर पिन नहीं डालते हो तो आपकी पेमेंट रिलीज़ नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पर आपकी जो भी पेमेंट आती है वो गूगल एडसेंस से आपके क्योंकि यहाँ पर जो भी पेमेंट आती है वो गूगल एड के बाद
क्योंकि यहाँ पर जो भी पेमेंट आती है वो यूट्यूब से पहले गूगल एड में जाती है और फिर आप आपके पेमेंट जो है वो आपके बैंक अकाउंट में कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर जो भी लास्ट वाला जो आपको मैंने ईमेल बताया था, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे ही आप आपका पैन कार्ड आपकी आइडेंटिटी सबमिट करोगे, वहाँ पर गूगल को मैसेज चला जाएगा और वो आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू आपके जो भी डाकघर वगैरह है वहाँ पर गूगल एडसेंस का जो है वो पिन रिलीज करेगा।